अब सांकेतिक तौर पर 74 सीटें कही जाती हैं कांग्रेस की, लेकिन वो फरार हो चुकी हैं कि नीतीश साथ रहे ना रहे, भाजपा के पास वो वोट बैंक जरूर आए। कांग्रेस के ये लोग भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हैं। नीतीश से इतर विधायकों की संख्या इतनी मजबूत कर लेना कि नीतीश कुमार को ये लगे कि अब वो इधर उधर जाए तो खत्म, अब उनके लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अमित शाह के बिहार दौरा के बाद कई तरह की चर्चाएं फिर से जन्म लेने लगी। इन चर्चाओं को अगर देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो रस्साकसी मची हुई है, जिस तरह से ऑफर दिया था तेजस्वी यादव ने, जो भी एनडीए से आएगा उसको वो मन मुताबिक सीटें देंगे, लेकिन गेम उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार विदेश हैं और अमित शाह का बिहार दौरा हो गया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह कोई बड़ा खेल कर दे। कांग्रेस के तरफ से जो बयान आए हैं वो भी काफ़ी सशंकित कर रहे हैं बिहार की राजनीति को। इस पूरे विषय पर जानकारी लेने के लिए हम नमन जी से बात करेंगे कि आखिर अमित शाह के आने के बाद और कांग्रेस में हड़कंप मचने के बाद स्थितियां क्या बन रही हैं। देखिए भाई, अमित शाह आए हैं पटना तो उनके रडार पर केवल विरोधी नहीं हैं जी, बल्कि अपने गठबंधन के लोग भी हैं। खबर तो हमें मिली थी कि उनकी मुलाकात बिहार में आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से भी होगी जी, अपने कुछ और पुराने सहयोगियों से होगी, आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा था। लेकिन पूरा जो फोकस अमित शाह का लगा वो ओबीसी वोट बैंक और जो महागठबंधन का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है उस पर जी जी, ईबीसी और ओबीसी, हाँ ईबीसी और ओबीसी, अति पिछड़ा और पिछड़ा के बीच में ही फंसे रहे। और संयोग देखिए कि आए थे प्रतिमा का रावण करने और वो कैलाशपति मिश्र का जी, लेकिन करके जो गए वो उससे भी खतरनाक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक में भी उनका इंटरफेरेंस है जी। है भाजपा ने रणनीति ऐसी इस बार बनाई है कि नीतीश साथ रहे ना रहे, भाजपा के पास वो वोट बैंक जरूर आए, आए वो नया वोट बैंक आए जी, जी। और रही बात चिराग पासवान की या अन्य समाज की, तो आप देखिए धीरे धीरे मुकेश सहनी के लिए हरीश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए सम्राट चौधरी जी। और आपको पता ही है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक दलित चेहरा सामने आ चुका है जी। और अब रही बात, अभी तो आईपी गुप्ता जो बिहार में पान समाज के लिए एक्टिव हो रहे थे तो उनके सामने मनोहर गुप्ता उन्होंने लगा दिया, मोहन गुप्ता शायद उन्होंने लगा दिया जी। अब जो भी हो, ये इतना जरूर साबित करता है कि भाजपा किसी भी वर्ग का वोट, अगर वो हिंदू समाज का है, उसको छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ तक कि मैं देख रहा था आज बहुत बड़े एक तथाकथित चैनल के एक बहुत बड़े विश्लेषक इस बात का रोना रो रहे थे जी कि शाहनवाज हुसैन का टिकट एमएलसी में क्यों काट दिया, उनके फूफा लगते होंगे इसलिए काट दिया। लेकिन सच में जोक सपाट, सच्चाई यही है कि भाजपा को जिस जो वोट चाहिए, भाजपा तो उसके लिए मुखर है जी कि मैं इस समाज का वोट ले रहा हूँ। और रही बात नीतीश कुमार के से अलग हटके चुनाव लड़ने की, अलग कोई रणनीति की थी तो भाजपा प्रयास करके देख ली ना। बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन को तो पता तक नहीं था कि बिहार में सरकार गिरने वाली है, वो तो प्लेन में थे जी जी। कैसे मत भ्रमित नेता को क्यों बनाएगी भाजपा बिहार में एमएलसी? बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी और रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं और जब जरूरत पड़ी तो बनाया ही ना। बाबा मेरा कहना है कि क्या भागलपुर से चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं? जाए लड़े, बिल्कुल जीत सकते हैं, पीछे क्यों हटना जी। मंगल पांडे सिवान से कई नाम आ रहे थे, अब भाजपा ने तय कर दिया कि मंगल पांडे जाएंगे जी। फिर आपने देखा कि राजपूत समाज की तो है लेकिन पटेल लिखती हैं, तो पति उनके पटेल हैं, अनामिका सिंह को उन भेजा गया जी। अब एक तांती समाज के, पान समाज के भेजा गया, तो भाजपा तो अपनी रणनीति पर बिल्कुल स्पष्ट है, सभी समाज के चेहरों को भाजपा एक साथ लेके चलेगी। नीतीश कुमार से हम बात कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस ये बात कह सकती है? बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। और तेजस्वी यादव प्रयास करके थक गए, कहना चाहते हैं, माई बाप नहीं हो पाए, कह नहीं हो नहीं पा रहा, इसलिए कह नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की रणनीति ऑलरेडी क्राफ्टेड है, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता उसमें नहीं है जी। हाँ, रही बात आज जो हुआ बिहार में उसकी चर्चा, तो निश्चित तौर पर अमित शाह का बिहार आना बेचैनी भरा रहा महागठबंधन के लिए और उनके उन सहयोगियों के लिए जो नई दोस्ती करके आए हैं। देखिए कांग्रेस में आपने देखा कि किस तरीके से जो राजद ने अनाउंस किया जो सीटें, उसमें 3+1 का जो फॉर्मूला था वो कुछ और कहानी कह रहा जी, था। कांग्रेस की तरफ से मैंने पूछा, आईपी गुप्ता से, मैंने कई लोगों से पूछा
कि भाई आपका भी नाम चल रहा था, कांग्रेस को एमएलसी क्यों नहीं मिला, तो कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोले कोई कैसे। देखिए इस बार राज्यसभा भेजने की स्थिति में तो कम से कम अखिलेश सिंह को कांग्रेस तो नहीं थी जी। निश्चित तौर पर इसमें राजद का सहयोग लगा और बड़ा सहयोग लगा, और उस स्थिति में कांग्रेस के बिहार के नेतृत्व का हाथ राजद के सामने कट गया। बिल्कुल, कटे हुए हाथों से ना तो हमला हो सकता है, ना ही इन हाथों से किसी को आशीर्वाद दिया जा सकता है। हाँ, आप देखे होंगे अक्सर कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी स्थिति क्या होती है मंदिरों के बाहर जी। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही हो गई जी। एमएलसी में जिन लोगों का नाम चल रहा था, अच्छा देखिए बड़ी विचित्र बात है कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से दो तो भाग गए, सिद्धार्थ और मुरारी गौतम। एक जो नीतू सिंह थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और उनकी डील हो गई है भाजपा से जी, कागज पर वो भी फरार है। बिल्कुल बिल्कुल, सांकेतिक तौर पर 14 सीटें कही जाती हैं कांग्रेस की, लेकिन वो फरार हो चुकी हैं। और बाकी बचे हुए लोगों में से मैं एक दर्जन लोग का नाम ले सकता हूं, यहां पर मैंने पूर्व में भी लिया अभी भी ले सकता हूं, जो कांग्रेस के साथ अब नहीं है। अशोक चौधरी की जिम्मेवारी थी कि इन लोगों को तोड़कर वो जदयू में लेके आए, लेकिन वहां वो भी सफल नहीं हुए हैं। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के ये लोग भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हैं, सम्राट चौधरी को बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं, और सम्राट चौधरी के माध्यम से भाजपा के साथ एक लहरों में उड़ती हुई नाव के साथ वो जाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक चौथा विकेट भी गिरने का स्पष्ट हो गया। अब एक बात बताइए, आज जो बयान आया प्रतिमा दास का, इस बयान को व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। देखिए आप कह सकते हैं कि सिद्धार्थ लोकसभा लड़ना चाहते हैं इसलिए चले गए पाटलिपुत्र से, आप कह सकते हैं कि मुरारी गौतम सासाराम सीट से लड़ना चाहते हैं, थोड़ा हाई प्रोडक्टिव रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि नीतू सिंह, तो उन्होंने भी तो कह दिया कि मुझे लोकसभा लड़ना है, तो ये तीनों तो लोकसभा के प्रत्याशी हैं जी। लेकिन प्रतिमा दास ने ये बात नहीं कही, कहा उन्होंने कहा कि पार्टी को एक MLC मिलना चाहिए था, ये वैचारिक लड़ाई जो है गठबंधन में, ये लड़ने में हमारे अध्यक्ष विफल रहे हैं या हमारे अध्यक्ष ने बेच दिया पार्टी को जी। अपने राज्यसभा जाने के लिए शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। बिल्कुल, अरे अखिलेश सिंह राज्यसभा गए हैं तो क्या उन्होंने ये उस समय शर्त रख दी थी कि चलिए आप मुझे राज्यसभा भेजिए, आप MLC में आप पर दबाव नहीं डालेंगे जी। तो ऐसे स्वार्थी अध्यक्ष की आवश्यकता क्या है, इससे पहले भी स्वार्थी अशोक चौधरी थे, उससे पहले कांग्रेस बिहार में अच्छा नेतृत्व तो खोज नहीं पा रही है। क्या सर अंतिम समय फरार हुआ, खोज ही नहीं पा रही है बिहार में भाजपा, माफ़ कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा जो कि सेल्फलेसली काम करे, और इसी वजह से आज भी राजद के रहमो करम पर बिहार में टिकी हुई है कांग्रेस। और अब प्रतिमा दास ने जो बगावत की है, इनका नाम तो था ही मेरे लिस्ट में, और अगर ये बगावत करती है तो इसका सीधा सीधा निष्कर्ष यही निकलता है कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से एकदम फ्लैट हो गई है। फ्लैट क्या मतलब, सारे लोग अब संपर्क में भाजपा के। प्रतिमा दास के बयान के बाद अखिलेश सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसे भी कैंसिल कर दिया है, और कैंसिल करके वो दिल्ली भाग गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं था, वो सीधे मीडिया को इग्नोर करते हुए भाग गए। इससे पहले हमने आपको नमन जी याद होगा बताया था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक अपने पैरों पे कांग्रेस नहीं आएगी तब तक वो रिवाइव नहीं कर सकती है। निश्चित बात, ये कांग्रेस के लिए बहुत बहुत ही ड्रास्टिक समय है, और जब राजद ही खुद के अस्तित्व खोज रही है तो राजद के नहीं होता कि जो एक पौधा होता है जो आप लगाते हैं, मजबूत पौधा उसकी टहनी होती है मजबूत, वो लगता है और उसी पर एक लत्तर लगाते हैं आप उसी गमला में जी। जब तक वो पौधा ही नहीं लगेगा तो लत्तर कैसे उस पर चढ़ जाएगी। राजद वो पौधा है और लत्तर बिहार में कांग्रेस है। और अगर दोनों एक दूसरे के लिए घातक हों तो ऐसी स्थिति, तब समझ लीजिए कि लत्तर चढ़ेगा तो पौधा मरेगा और पौधा लत्तर को चढ़ने नहीं देगा जी। यही हो रहा है बिहार में। और बची खुची बात रही तो कांग्रेस के लगभग सारे जो कम से कम सवर्ण और बाकी जातियों के लोग हैं, मुसलमान विधायकों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाकी विधायक तो निश्चित तौर पर इस बारे में सोच रहे हैं जी। कि एक बड़ी टूट करके विधायकी भी बचा ले और कांग्रेस की कांग्रेस से भाजपा की तरफ चल चले। बिल्कुल, और अमित शाह का बिहार आगमन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बिहार में नीतीश से इतर विधायकों की संख्या इतनी मजबूत कर लेना
कि नीतीश कुमार को ये लगे कि अब वो इधर उधर जाए तो खत्म, अब उनके लिए क्राइसिस। और ऑलरेडी जदयू के भी कई विधायक तो संपर्क, नीतीश के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा अगर ऐसे स्थिति में वो आते हैं तो। चलिए, तो आपने पूरी जो अभी वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में अमित शाह के आगमन के बाद से जो नया चेंजेज हुआ है और जिस तरह के फिर से मुखर होते जा रहे हैं अलग अलग दल के नेता, उसने एक कहानी जरूर लिखी है कि कभी भी बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, राजनीतिक चेंज हो सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।